हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पवार मैथ्स क्लासेस। टुडे वी स्टडी नाउ चैप्टर नंबर 19 की एक्सरसाइज बेटा 19.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार। बेटा एक कार का जो कार के व्हील का जो डायमीटर है वो 70 सेंटीमीटर है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 120 रिवॉल्यूशन। तो वो जो व्हील है वो 120 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है बेटा। हेयर डायमीटर है कितना 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी बेटा डायमीटर का हाफ, तो 70 अपॉन 2, 2 से 70 को डिवाइड कर दिया आपने 35 सेंटीमीटर। तो वन राउंड डिस्टेंस वन रिवॉल्यूशन के अंदर कवर्ड डिस्टेंस बाय व्हील कितनी होगी बेटा, जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के सर्कमफेरेंस क्या, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है बेटा 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू बेटा 22/7 इंटू आर कितना है, आर अभी आपने फाइंड किया 35, 7 से 35 को डिवाइडेड कर लिया 5, 22 इंटू 5 इंटू, तो 22 इंटू 44 इंटू 5 कर दिया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो 220, क्योंकि 5 4 20 2 5 4 20 2 22, 220 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो वन रिवॉल्यूशन में नहीं, हमें तो कितने में बतानी है, 120 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल बतानी है। इतने रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, तो इतने रिवॉल्यूशन में कवर्डेड ऑफ डिस्टेंस कितनी होगी, जो 220 आया उसमें मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटा 120 से कर दो, ये 20 तो ये होगी, 12 2 जेड कितने हो गए 24, 2 12 2 जेड 24 और 2 कितने हो गए 26, तो इतने सेंटीमीटर्स, ये इसका क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा फाइंड ओके। क्वेश्चन नंबर बेटा 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका हाइपोटेनस दिया हुआ है 41 और परपेंडिकुलर दिया बेटा 9 सेंटीमीटर्स। ये कोई आपको राइट एंगल दिया हुआ है बेटा, इस राइट एंगल के अंदर ये आपको दी हुई है 41 मीटर्स और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपको 9, और हमें ये इसके लिए अदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ए बी सी डी, ए बी सी डी से राइट एंगल है जिसमें हाइपोटेनियस हो गया 41 सेंटीमीटर और इसका परपेंडिकुलर हो गया 9 सेंटीमीटर। ये हमें अदर जो है इसके लिए ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है, उससे पहले हमें ये बेस निकालना पड़ेगा बेटा, जिसका ये बेस है ये हमें क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वी नो दैट हम जानते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है बेटा 1/2 बेस इनटू हाइट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसका बेस चाहिए क्योंकि हाइट तो परपेंडिकुलर दी हुई है, क्योंकि हाइपोटेनियस दिया है तो हम पाइथागोरस थ्योरम में से क्या करेंगे 41 में से 9 का स्क्वायर लेस देन करके ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा बेस अंडर रूट 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका कितना आ गया 481 माइनस 81 इजिकल टू स्क्वायर रूट 400, 400 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, नहीं बेटा जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 1681, कितना आ जाएगा बेटा ये 1681, तो 1600 आपका किसका रूट होगा बेटा 1600 रूट आ जाएगा बेटा आपका 40 का, तो 40 सेंटीमीटर्स, तो 40 सेंटीमीटर ही आ गई, तो अब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो एरिया बराबर किसके होगा बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 अभी आपने बेस फाइंड करा, बेस कितना फाइंड हो गया है इसका 40 और हाइट कितनी दी हुई है 9, 2 से 80 को डिवाइड किया 20, 20 इंटू 9 करा तो कितना आ गया 180 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। फिर से आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल था, राइट एंगल में हमने इसे निकालने के लिए पहले इसके स्क्वायर में से हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर लेस देन कर दिया पाइथागोरस थ्योरम से। जब हम पाइथागोरस बीपीटी थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या करा, इसके स्क्वायर में से लेस करा, 40 का स्क्वायर होता है 1681 माइनस 9 का स्क्वायर 81 लेस देन 1600, 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है 40, तो 40 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बेस। अब हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला, इससे एरिया फाइंड कर लेंगे।